हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9 संस्कृत की और संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करा रखा है, आप लोगों ने अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग इसके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उस साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है और नए चैनल का लिंक दिया है। टेलीग्राम से जुड़ने से आपको यह फ़ायदा होगा कि आप सभी को इस वीडियो का जो मैं PDF दिखा रहा हूँ वो आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा, और साथ में आप लोग अगर नए चैनल से जुड़ते हैं तो उससे हमारा हौसला अफजाई होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसी 1 से 10 तक प्रश्न दिया गया, जिसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, इफ्तार क्या होता है, रोज़ा किस समय खोला जाता है, क्या देख करके खोला जाता है। उसके बाद है, फितरा किसे कहते हैं, ईद में क्या क्या पकवान बनता है, ईद कैसा पर्व है। उसके बाद है, छठा नंबर है, किस कारण आयु निश्चित नहीं होती है। सातवां है, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। उसके बाद है, मध्यम प्रकृति और उत्तम प्रकृति के लोगों में क्या अंतर होता है। उसके बाद है, महात्माओं का क्या लक्षण होता है। उसके बाद है, सत्य संगति क्या है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग देख सकते हैं 11 नंबर है, उसमें है आप लोग का नीति पद्यानी पाठ का सारांश लिखे। उसके बाद आप लोग का है, ब्रह्मा जी किसे संतुष्ट नहीं कर सकते और क्यों। अगला है, ईद में क्या क्या होता है। अगला है, ईद पर्व क्या संदेश देता है, गंगा नदी पर एक अनुच्छेद 7 पंक्तियों में लिखे। तो इसका आप लोग का यहाँ से आंसर मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। 5वां नंबर का आप लोग का ये आंसर हो गया, 6ठा नंबर का हो गया, 7वां का हो गया, 9वां का हो गया, आप लोग आराम से वीडियो को रोक रोक करके लिख सकते हैं। 10वां का आप लोग का आंसर हो गया। उसके बाद ये आप लोग का 12वां का आंसर हो गया। उसके बाद ये 13वां का आप लोग का आंसर हो गया। आप लोग इसको आराम से रोक करके लिख सकते हैं, ये आपका 15वां का आंसर हो गया। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो 15 का और बाकी जो पार्ट है आपको नीचे मिल जाएगा। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।